साहब को जीवित करने वाले एकमात्र मान्यवर साहब कांशीराम है, जिन्होंने बाबा साहब को फिर से जीवित किया और बाबा साहब को जो है घर घर तक पहुंचाने का काम किया, उनकी विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने का काम किया। और आज जो है हम खड़े हैं, ये मान्यवर साहब कांशीराम की बदौलत है जो हमें बाबा साहब के बारे में पता चल पाया है और ये जो बहुजन समाज पार्टी खड़ी की है मान्यवर साहब कांशीराम ने। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो मान्यवर साहब कांशीराम है और जितनी पार्टियाँ जो हैं बाबा साहब की फोटो अपने बैनर के ऊपर लगाती हैं वो सिर्फ इसलिए लगाती हैं क्योंकि समाज का वोट होना चाहिए। कि पार्टियाँ हैं बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर वो सभी संविधान विरोधी हैं, जो संविधान को बदलने का काम कर रही हैं और बीजेपी का समर्थन कर रही हैं। आप देख लीजिए बीजेपी के कितने मंत्री हैं जिन्होंने संविधान बदलने की बात करी है। और मैं ये चैलेंज के साथ बात करता हूँ, अगर दोबारा से इस सेंटर के अंदर भी मोदी की सरकार आ जाए तब भी वो संविधान को नहीं बदल सकती। 2018 दो अप्रैल वो दिन याद है जिस दिन हमारे समाज के 13 युवा शहीद हुए थे इस संविधान के अधिकार को बचाने के लिए, और वो अधिकार किसी भी कीमत पर हम ख़त्म नहीं होने देंगे। इसके लिए चाहे हमें अपनी जान की बाजी क्यों ना लगानी पड़ जाए, ये जितने भी युवा यहाँ पे खड़े हैं वो बहुजन समाज पार्टी के इस संविधान की बदौलत खड़े हैं और ये संविधान जो है उनको अधिकार देता है कि अपने सम्मान की लड़ाई, अपने अधिकार की लड़ाई वो हर तरीके से लड़ सकते हैं। अच्छा, जो एक क्वेश्चन, जो कांग्रेस पार्टी है और जब बाबा साहब थे तो बाबा साहब की जो बातें वो नहीं मानते थे उस टाइम पे, और बाबा साहब जब अब नहीं रहे हैं तो बाबा साहब की फ़ोटो लेकर के वो वोट मांग रहे हैं कांग्रेस वाले, तो उसके बारे में क्या कहूँ? ये तो सभी पार्टियों की मजबूरी है, ये तो बीजेपी सरकार भी बाबा साहब की फ़ोटो लगा रही है, ये इनकी मजबूरी बन गई है क्योंकि बाबा साहब के बिना ये देश चल ही नहीं सकता, चाहे कोई भी पार्टी आ जाए। और अभी आगे आगे और देखते जाइए आप, हर पार्टी के बैनर के ऊपर मान्यवर साहब कांशीराम जी की फ़ोटो भी मिलेगी आपको, वो इसलिए मिलेगी क्योंकि बाबा साहब। तो आपकी कैसी उत्सुकता है यहाँ पर देखने के लिए कि अभी तो पंडाल में भी आएंगे और वहाँ पर भी देख सकते हैं? देखिए, आज सबसे पहले तो आपके चैनल के दर्शकों को मैं नमस्कार करूँगा, और आप देख सकते हैं यहाँ पर जनसंख्या कितनी है और जनसंख्या के आधार पर आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि इस बार हरियाणा के अंदर बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने जा रही है वो पूर्ण बहुमत से। और जो यहाँ पर ये भीड़ इकट्ठा हुई है, ये बहन जी के दीवाने हैं जो उनके दर्शनों के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं, क्योंकि जो बहन जी हैं हमारे महापुरुषों के साथ उन्होंने संघर्ष किया है, मान्यवर साहब कांशीराम जी के साथ संघर्ष किया है, जिन्होंने ये बहुजन समाज पार्टी जो है साइकिल पर चलकर पूरे देश के अंदर साइकिल चला करके ये पार्टी खड़ी की है। और पूरा बहुजन समाज के अंदर 6,743 जातियाँ आती हैं साथियों, और मैं सभी जातियों को ये कहना चाहूँगा कि बहुजन समाज पार्टी जो है वही एक ही पार्टी है जो आपके अधिकारों की लड़ाई लड़ रही है, और बहुजन समाज पार्टी को जितना हो सके आप सभी साथी सपोर्ट करें, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने इस देश के हर वर्ग को संख्या के अनुपात में बराबरी का अधिकार दिया है, हर समाज के महापुरुषों के नाम से यूनिवर्सिटी खोलने का काम किया है, पार्कें बनाने का काम किया है, गाँव के नाम रखने का काम किया है। ये बहुजन समाज पार्टी का एकमात्र ऐसी पार्टी है, और उसके बाद बीजेपी सरकार आई, उन्होंने जो है सभी स्मारकों का नाम, हर जितने भी महापुरुषों के नाम से स्मारक बने हुए हैं, चाहे कोई किसी गांव का नाम है, चाहे किसी शहर का नाम है, वो तो अखिलेश यादव की सरकार आई थी, उन्होंने बदले थे स्मारक के नाम, तो जैसे बहन जी ने जो बनाए थे। तो अभी आप इलाहाबाद का नाम देख लीजिए, ये तो मोदी सरकार में बदला गया है, प्रयागराज रखा गया उसका नाम, इलाहाबाद का सही नहीं था। वाराणसी का नाम जो है उसको भी बदलने की तैयारी हो रही है, लाल किला जो है बीजेपी सरकार के अंदर जो है गिरवी रखा गया है, और रेलवे जो है प्राइवेट किया गया है बीजेपी सरकार के अंदर। तो ऐसे कितने आपको जो है डिपार्टमेंट गिनवाएं जो बीजेपी सरकार के अंदर प्राइवेट किए गए हैं। बहुजन समाज पार्टी का एकमात्र ऐसी पार्टी है जो हर वर्ग के अधिकारों की लड़ाई लड़ती है और जिसने हर वर्ग को सम्मान से जीने का अधिकार दिया है। तो मैं सभी से यही अपील करना चाहूँगा कि जितना हो सके, चाहे आप घर बैठ के एक पर्सन को जोड़ें, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के साथ सभी को जोड़ने का काम करें। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद, जय भीम। अच्छा, अब की बार जो मुद्दा है, मुद्दा क्या चल रहा है अब की बार? जैसे संविधान को लेकर के बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी भी, और जो गठबंधन है वो भी, गठबंधन कहता है कि हम संविधान को बचाएंगे और भारतीय जनता पार्टी संविधान को तोड़ना चाहती है। देखिए, बात करूँगा बीजेपी सरकार की जो कहती है संविधान बदलने की बात करते हैं, जिनके मंत्री जो है नेता हैं जो हैं संविधान को बदलने की बात करते हैं, ऐसा कोई भी सरकार आ जाए
चाहे कितने भी तानाशाह सरकार आ जाए, लेकिन संविधान को नहीं बदल सकती। इस देश के युवा जो हैं अभी जिंदा हैं, इस बहुजन समाज के युवा जो हैं जिंदा हैं, अपनी जान तक दे देंगे लेकिन संविधान को बदलने नहीं देंगे। और रही बात गठबंधन की, जो संविधान को बचाने की बात करती है, मैं आपको ये बात कहना चाहता हूँ कि गठबंधन के अंदर जितनी भी पार्टियाँ हैं, वो सभी की सभी संविधान विरोधी पार्टियाँ हैं, जिन्होंने आज तक भी संविधान के लिए कोई काम नहीं किया, इस बहुजन समाज के लिए कोई काम नहीं किया आज तक। जो संविधान विरोधी कैसे है? संविधान विरोधी ऐसे हैं सर, आप देख सकते हैं जितने भी इस संविधान के अनुसार हम लोगों को अधिकार मिले हैं, उन लोगों को, उन अधिकारों को बदलने का जो ये सरकार जो है प्रयास कर रही है। रेलवे जो है प्राइवेट कर दिया गया है, हरियाणा रोडवेज भी जो है प्राइवेट कर दिया गया है, तो ऐसे कितने डिपार्टमेंट हैं। संविधान को बदलने का तो काम यही है, धीरे धीरे हर सेक्टर को प्राइवेट करते जा रहे हैं, और ये संविधान को जो है, संविधान की धज्जियां जो है सरकार उड़ा रही है, तो ये बहुजन समाज बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा और आने वाले समय में इस सरकार को मुंह तोड़ जवाब देगा। बहुजन समाज पार्टी की सरकार हरियाणा के अंदर बनाएगा और पूरे देश के अंदर बहुजन समाज पार्टी की सरकार जो है इस बार बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। चलिए ठीक है, तो ये जो लोग हमारे साथ और बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीम मायावती जी आने वाली है, ये जो भीड़ है यहाँ पर, पूरी भीड़ जो बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीम मायावती जी को देखने के लिए यहाँ पर खड़ी है। और आप लोगों ने अभी जो सुना है कि जिस तरीके से हमने बात किया है संविधान को लेकर के, लोग कितने जागरूक हो चुके हैं और अपने मुद्दों को लेकर कितने जागरूक हो चुके हैं, आप लोग उसको भी देख सकते हैं। और आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइए। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल न्यूज़ रिवोल्ट 24/7, मैं हूँ आपके साथ पंकज बाबरा, जय भीम।